गुस्सैल और एरोगेंट तो पहले से ही थे, लेकिन करियर के विराट पर पहुंचकर घमंडी हो गए। और इस बार विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के दादा सौरभ गांगुली की बेइज्जती कर दी। विराट शिखर पर पहुंचकर लोग अक्सर गुस्सैल, एरोगेंट, घमंडी हो ही जाते हैं, लेकिन कोई अपने लेजेंड्स की बेइज्जती नहीं करता। लेकिन वर्तमान दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के दादा सौरभ गांगुली की बेइज्जती कर दी। आप इस तस्वीर को देखिए, मैच जीतने के बाद विराट शान से मैदान से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद सबसे हाथ मिलाया, लेकिन दादा से हाथ मिलाने की जरूरत महसूस नहीं की, उल्टा घूर कर सौरभ गांगुली को आंखें दिखा दी। वीडियो में आप हकीकत देख सकते हैं कि कैसे विराट सौरभ को देखते ही पॉन्टिंग से बातें करने लग गए। सौरभ थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आगे बढ़ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सौरभ के फैन काफी गुस्से में हैं। फैंस विराट को काफी कुछ भला बुरा कह रहे हैं। कई यूजर्स तो विराट को लेकर अब शब्द भी लिख रहे हैं। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में आईपीएल 2023 के मुकाबले में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स पर 23 रनों से जीत दर्ज की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स पर आरसीबी की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने ओपनिंग करते हुए 34 गेंदों पर 6 छक्के और 1 चौके की बदौलत 50 रन बनाए। वहीं अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर रहे। जैसे ही मैच के बाद खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए, तब विराट और गांगुली के बीच रिश्तों में खटास सी दिखी।